देखिए दोस्तों, ये वायर कटर का स्क्रू है जिसको एडजस्ट करके हम आगे पीछे कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ये आपको यहाँ से क्या होता है, कट करता है, ठीक है। यानी आप किसी भी हार्ड चीज़ को आप इससे कट कर सकते हो। तो चलिए, जो वीडियो को ये नहीं देखे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं ये कैसे काम करता है इसको। तो देखिए, ये हाँ मेरे हाथ में वायर कटर है और इसको देखिए किस तरह से हम एडजस्ट करके आपको बतलाते हैं। तो देखिए, ये मेरे हाथ में वायर है, इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करके इसको खींचिएगा तो क्या होगा कि वायर, ये इंसुलेशन रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी वायर एक्स्ट्रा कट जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जैसे देख रहे हैं कि बार बार हम इसको छील रहे हैं, तो हर एक जो व्यक्ति इसको नहीं चलाया होगा उसे ये वायर कट जाता है, जैसे कट गया ये, ठीक है। तो चलिए, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं, जो स्क्रू है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब इसको प्रेस करते हैं तो स्क्रू पर जाकर रुक जाता है, और जैसे कि सामने में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्क्रू को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, और ढीला करके इसको हम एडजस्ट कर देंगे, यानी आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो जितना आगे आगे की ओर बढ़ाइएगा, आपका क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ जो आगे की ओर टिप्स पर जो होल दिखाई दे रहा है वो क्या होगा कि बढ़ जाता है, इसको घटाने से घटता है, बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए कितना, ये वायर का साइज के अनुसार से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक भी वायर नहीं कटेगा। चलिए, इसको हम कस लेते हैं, ठीक है। कसने के बाद देखिए अब ये कितना, ठीक है, थोड़ा और इसको हम घटा लेते हैं और फिर से हम इसको बढ़िया से कस लेते हैं। और कसने के बाद देखिए आपका कितना काम होल बच रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको बढ़िया से और कम कर लेते हैं, और देखिए आप कितना आपके पास ये वायर का शेप के अनुसार से आप इसको एडजस्ट करके आप चला सकते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक वायर को हम कट करेंगे और आपको हम दिखलाएंगे। तो चलिए देखिए, इस तरह से आप दबाइएगा तो एक भी वायर नहीं कटेगा दोस्तों, और पूरी तरह से इंसुलेशन बेहतर तरीका से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि स्क्रू को ढीला करके, घटा बढ़ा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इससे आपका एक भी वायर नहीं कटेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका क्या हो रहा है कि इस पर आपका एक्स्ट्रा वायर नहीं कटेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, छीलने वक्त में क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा वायर कट जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है। और चलिए, इस ये जो आपका कॉम्बिनेशन प्लायर में हम देखेंगे कि इसका आगे की ओर भी होता है, पीछे की ओर से भी कटिंग के लिए होता है। तो आगे की ओर जब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए वायर है, और वायर को हम क्या करेंगे, आगे की ओर काटते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, तब जा कर के ये कटता है, ठीक है। और ठीक है, चूँकि बहुत ही हार्ड है, ये नहीं क्या होता है, बैंड नहीं होता है, बहुत ये स्टील का वायर है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम फिर से देखिए, काट रहे हैं आपको सामने, तो बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। और ये देखिए, आपको आगे की ओर एक दिखाई दे रहा होगा, इसमें रखिएगा, हल्का से प्रेस करने पर दोस्तों ये बहुत ही आराम तरीके से ये कट जा रहा है, ठीक है। जैसा देख रहे हैं आपके सामने, हम क्या करें, वायर को बहुत ही ईजिली तरीका से काट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो दिख रहा है होल, ये बहुत ही आराम तरीका से इसमें रखिएगा, और हल्का सा प्रेस करने पर क्या होता है, आपको वायर कट जाता है। तो ये जो हम प्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाई कंपनी का है, ठीक है। और वेनस कंपनी का भी आप इसके जब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाई कंपनी बहुत ही बेहतर और कम पैसा पर ये अवेलेबल है। तो दोस्तों देखिए, आपको हम यही प्लायर के देखिए आगे की ओर से आप एक कील को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेस करना, जब यहाँ पर हम रख करके काटते हैं तो दोस्तों बहुत ही इजीली तरीका से आप काट सकते हो, ठीक है। देखिए आगे की ओर हम काट रहे हैं, बहुत प्रेस करने पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके ये क्या होता है। और यहाँ पर रख करके आपको क्या करना होगा, हल्का सा आपको प्रेस करना होगा, जैसा कि देखिए रखें और हल्का सा प्रेस किए, और ये देखिए आपका कट गया। तो ये इस तरह से आप यहाँ से इजीली तरीका से काट सकते हो। ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी होता है दोस्तों। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या हो रहा है कि मैं एक बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम प्रेस यानी कम दबाव दे करके आप किसी भी चीज़ को काट सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कोई नट होता है जो कि नहीं, उसके एडजस्ट से नहीं खुल पाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर हम इस तरह से इसको पकड़ के घुमा देते हैं, तो ये नट को खोलने के लिए होता है, ठीक है। अलग अलग शेप के लिए, कि आपके पास अगर
रिंच नहीं है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से लगा करके आप खोल सकते हो। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आगे की ओर हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। कभी कि जो हार्ड वायर होता है उसको हमको दबाना होता है, आगे की ओर टिप्स को दबाना होता है, तो इस तरह से रखकर हम दबा सकते हैं। यानी इससे यहाँ क्या कर सकते हैं, उस वायर को प्रेस करके चपटा कर सकते हैं और उसको इजली तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, ये भी एक तरह के प्लायर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पीछे की ओर देख रहे हैं कि इसमें पीछे की ओर भी एक टीथ दिया गया है, ठीक है, थ्रेड काटा हुआ, उससे हम क्या करेंगे, यहाँ से भी नट को हम खोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका हम पूरा जानकारी